हमारा खाना कहाँ है? मैं यहाँ बैठे बैठे थक गई हूँ। यह रहा केट, और मैं इससे खुश हूँ। इसके जैसा कुछ नहीं, मुझे चिप्स पसंद है। कितना ठंडा पिज्जा है, मेरी उंगलियाँ जम गई। ये बर्फ में ढकी हुई है। कम से कम तुम्हारे पास कुछ तो है आंटी, और मेरे लिए कुछ नहीं। तुम्हारा कहना सही है कि हमें मामलों को अपने हाथों में लेना होगा। मैं पिज्जा को गैस बर्न से फ्राई करूंगा। तुम यहाँ आग लगा दोगे। केट सही कह रही है, पिज्जा में आग लग गई है। अरे नहीं, मैंने आग के साथ थोड़ा ज्यादा कर दिया। इससे पहले कि दूसरे तरफ फैल जाए, हमें जल्दी कुछ करने की जरूरत है। एली, तुम्हें खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। तुम्हारा पिज्जा एक विशाल कोयले की तरह दिख रहा है। इस पर बहस करना बेकार है मोनिका। ये बहुत कड़वा है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। फिर अब मेरी बारी है चीज चिप्स खाने की। वे कहाँ है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। क्या यह जार वाकई खाली है? ऐसा लगता है कि नीचे कुछ तो जरूर है। मैं वह ले लूंगी। चिप्स कहाँ है? लगता है कोई फंस गया है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो मोनिका, तुम अपने आप से बाहर नहीं निकल सकती। एंडी, तुमने सभी चिप्स गिरा दिए हैं। मेरे होठों को क्या हुआ? वहाँ कुछ अटक गया है। अब तुम अपने से ज्यादा बत्तख की तरह दिख रही हो। अब और नहीं, ये चिप्स था और मैंने उन्हें खा लिया। वैसे बहुत स्वादिष्ट था। ये प्यारे चिप्स मुझे पागल कर रहे हैं, वे इतने स्वादिष्ट है। मैं अधिक से अधिक खाना चाहती हूँ। चिप्स खत्म होने तक मैं निश्चित रूप से नहीं रुकूंगी। क्या मैं थोड़ा ले सकता हूँ? मैंने पहले ही सब खा लिया है। ओह, यह क्या है? लगता है ये मेरे लिए खाना है। आखिरकार कितना बड़ा पैक है। वाह, यह तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखने का समय है कि अंदर क्या है। अरे वाह, ये स्टिक तो बहुत बड़ी है। मुझे इसे अच्छे से देखने दो। वाह, मैं लकी निकली। ओ, और यह क्या है? पिन्याटा? मैं समझ गई, इसे मेरी छड़ी से तोड़ने की जरूरत है। मैं आंखों पर पट्टी बांधकर कोशिश करूंगी। सावधान केट, तुम ठीक मेरे मुंह के सामने छड़ी लहरा रही हो। मुझे इन खेलों से प्यार है, वे बहुत रोमांचक है। मुझे लगता है कि मैं पिन्याटा को नीचे गिरा सकती हूँ। वाह, कैंडी पाने के लिए इसे तोड़ना बाकी है। पिन्याटा को मारना बंद करो केट, बस करो। मैं देख रही हूँ कि तुम किसी चीज से डरे हुए हो। रिलैक्स, सब ठीक है। मेरे सिर पर एक बड़ी गांठ पड़ गई है और तुम्हें लगता है कि अच्छा है। अभी कुछ हो जाता है, तुम्हें छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ कि तुम देखो कि मुझे कितनी कैंडी मिली है। ये बहुत स्वादिष्ट है, और अब मैं आइसिंग वाले स्टिक को खाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 5 नीले मशरूम एक साथ। मैं उन्हें नहीं खाना चाहती। और मेरे पास डोनट्स हैं, गुलाबी आइसिंग और पेस्ट्री स्प्रिंकल्स के साथ। वाह, कितने मस्त है। इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन तुमने नारंगी न्यूटेला कभी नहीं देखा होगा। मुझे लगता है हमारे लिए ठीक से खाने का समय है। लूसी, क्या तुम शुरू कर सकती हो? लेकिन मुझे मशरूम से नफरत है, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। अगर तुम बोलना बंद करोगी और अपना हिस्सा खाओगी, तो मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। चलो अब मुंह खोलो। तुम मुझसे ऐसा नहीं करवा सकते। देखो यह मशरूम कितने अच्छे से उड़ता है, ठीक तुम्हारे मुँह में। बहुत अच्छा। इसका स्वाद बहुत बेकार है, मैं वो नहीं खाऊंगी। तुम खाओगी। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें यह मशरूम काफी पसंद है, तो तुम उन्हें खा लो। तुमने क्या किया है लूसी, ये सही नहीं है। तुम मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालना चाहती, लेकिन अब मेरे न्यूटेला को खाने का समय आ गया है। ये कितना सुंदर है, मैं इसे जल्द से जल्द अपने मुँह में डालना चाहती हूँ। ढक्कन हटा देती हूँ। वाह, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, बस उंगली चाटकर खाने लायक। मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे और चाहिए। इससे दूर रहना असंभव है। तुम यह हमारे साथ शेयर कर सकती हो सिंडी। हालांकि ठीक है, मेरे पास अपने डोनट्स हैं और मैं उन्हें मजे से खाऊंगा। कमाल की खुशबू है। कितना नरम डो और कितना आइसिंग। वाह, मैंने कभी पहले इतना स्वादिष्ट डोनट नहीं खाया है। काश मैं उनमें कम से कम एक खा सकती। लूसी, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिंडी के साथ ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। चलो अपनी चीजें को मिलाएं। बुरा विचार नहीं है ऑस्टिन, मैं तैयार हूँ।
मुझे यकीन है कि इसका स्वाद दोगुना अच्छा होगा। यह सुनिश्चित करने का समय आ गया है। हाँ बहुत बढ़िया, असल में ये मेरा टुकड़ा था, तुम्हें मुझे मेरा हिस्सा देना होगा, धोखेबाज। खैर कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चलो देखे कि तुम्हें इतनी बड़ी मक्खी पसंद है या नहीं। मुझे लगता है तुम्हें कीड़े मकोड़े पसंद नहीं है। ऑस्टिन देखो यह क्या है, कितनी बड़ी मक्खी है, लेकिन यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इतना डरो मत सिंडी, यह खिलौना है, देखो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास हुआ क्या है लूसी? फ्लाई स्वाटर, मुझे मक्खियों से नफरत है, खासकर इतने बड़े। अच्छा किया लूसी, अब हम ऑस्टिन का डोनट उठा सकते हैं। तुम्हें इसे न्यूटेला के साथ जरूर ट्राई करना चाहिए। स्वादिष्ट, मेरा फ्लाई स्वाटर बहुत उपयोगी निकला। वाह कितनी सारी चीजें, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, और सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ कॉकटेल बनाना है, नहीं तो यहाँ ब्लेंडर क्यों है। बिल्कुल, अच्छी अच्छी चीजें के साथ स्वादिष्ट ड्रिंक हमारा इंतजार कर रहा है। मुझे यह चुनौती पसंद है। बिंगो। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे प्याज और सॉसेस की जरूरत क्यों है, इससे तो कोई स्वादिष्ट ड्रिंक नहीं बनेगा। ऑस्टिन की किस्मत उसके साथ नहीं है, जो हार गया सो हार गया। मैं यह दिखाने के लिए तैयार हूँ कि कैसे काम करना है। कितना सॉफ्ट मार्शमेलो है, सुपर, तुम्हें इसे जरूर चखना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये एक बेहतरीन कॉकटेल बनाएगा। खैर अब इसे तैयार करना है। लूसी के पास सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ईर्ष्या मत करो ऑस्टिन, बस अपने दोस्त के लिए खुश रहो। ब्लूबेरी डालने का समय आ गया है, मुझे लगता है कि मेरे ड्रिंक को ताजी का एहसास देगा। ओह हाँ बहुत जूसी, एकदम सही संयोजन। मैं एक ब्लेंडर में ब्लूबेरी डालती हूँ। हाँ इसी तरह, और क्या बचा है? हाँ मिल्की वे ड्रिंक, मेरी डिश का सही सामान। अब सभी सामान को मिलाकर एक स्मूदी बनाती हूँ। मैं पहले से ही इसका शानदार स्वाद महसूस कर सकती हूँ, यह दुनिया का सबसे अच्छा ड्रिंक होगा। यह वास्तव में अच्छा लग रहा है। आगे क्या है लूसी? फिर तुम्हें यह सब पीसने की जरूरत है, मैं इसे हाई स्पीड पर चालू करती हूँ। वाह यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, हमें दिखाओ कि क्या हुआ है। दोस्तों ध्यान दो, यहाँ प्रस्तुत है शानदार ड्रिंक। वाह कितना गाढ़ा और स्वादिष्ट, सुपर, मैं परिणाम से 100% संतुष्ट हूँ। मुझे इसे पीने में कोई आपत्ति नहीं होगी इस बार। नहीं ऑस्टिन, अब समय है तुम्हें अपनी प्रतिभा दिखाने की। मुझे पहले से पता है कि मेरा कॉकटेल घिनौना होगा। क्या बदबूदार प्याज है, इससे निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा। एक छोटा सा टुकड़ा रख देता हूँ। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें सारे चीजों का इस्तेमाल करना होगा। सिंडी सही कह रही है, मैं सॉसेज डालने में तुम्हारी मदद करती हूँ, अब बेहतर है। मुझे डर है कि किटकैट वाला ड्रिंक भी स्थिति को नहीं सुधारेगा, मैं यह नहीं देख सकता, यह घिनौना लग रहा है। शायद मिलाने के बाद बेहतर होगा। चलो इसे देखे ऑस्टिन, वैसे भी तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ यह तो तुम सही कह रही हो, तुम इसे एक ग्लास में डाल सकते हो। छी क्या बदबू है, चलो बस इसे टॉयलेट में डाल दे। पियो पियो पियो, मैं समझ गया हूँ मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कैसा लग रहा है ऑस्टिन, तुम बहुत साहसी हो, इसे कहते हैं विल पावर। मुझे उल्टी आ रही है, पता नहीं तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, ओ मैं मर रहा हूँ। वो सच में ठीक नहीं लग रहा है, उसे थोड़ा आराम करने दो, मेरे पेट में मरोड़ हो रहा है। ज्यादा नाटक मत करो ऑस्टिन, ठीक से बैठो, अब सिंडी की बारी है। मैं अभी शुरू करने के लिए तैयार हूँ, एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। तो अपने पास जो कुछ भी है उसे ब्लेंडर में डालने की जरूरत है, और बस ब्लेंडर को चालू करना है। शायद मैं शहद से शुरू करूंगी। ये कितना सुगंधित है और चिपचिपा, सुपर, मुझे इसे चखना है। वाह कितना मीठा है, जैसा मुझे चाहिए। मैं इसे ब्लेंडर में डाल रही हूँ, देखो ये अभी से ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आखिरी बूंद तक सब कुछ डालना जरूरी है। बस अब मैं कैंडी डालूंगी, पता नहीं उनका स्वाद कैसा है,
सब कुछ मिक्स होने से पहले जांचना सही है। मैं समझ गई, यह स्किटल्स है, बहुत खट्टा। यह मीठे शहद के साथ अच्छा रहेगा। बस अब केवल ट्विक्स ड्रिंक डालना ही बाकी है। यह मेरे कॉकटेल की अंतिम सामग्री है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वादिष्ट निकलेगा। यह ब्लेंडर चालू करने का समय है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन ढक्कन के बारे में क्या, तुम इसे बंद करना भूल गई हो। अरे नहीं, मेरा कॉकटेल गिर गया, माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तुम पागल हो सिंडी। ओह, अब छोड़ो भी, जरा सोचो, मैंने थोड़ा सा कॉकटेल गिराया है। खैर कोई बड़ी बात नहीं है, ये अभी भी बहुत स्वादिष्ट निकला। मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम ऐसा नहीं करती अगर तुम्हें यह स्वादिष्ट चिकन लेग मिले होते या स्वादिष्ट कैंडीज। तुम भाग्यशाली हो, लेकिन मुझे नींबू खाना है। खैर कोई बात नहीं, मैं इतनी कठिन परीक्षा का भी सामना कर सकती हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे असल में करने की कोशिश करूँगी। ऐसी बचकानी हरकतें बंद करो लिली और अपने काम में लग जाओ। काश तुमने मुझे वो याद नहीं दिलाया होता। ठीक है, करती हूँ। मैं एक नींबू में एक स्ट्रॉ डालने और उसका रस पीने की कोशिश करूँगी, देखते हैं क्या होता है। ओह, कितना खट्टा है। मुझे इस भयानक स्वाद के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि जूस जल्दी खत्म हो जाएगा। बस इतना ही, मुझे फिर कभी नींबू मत देना। लिली तुम ठीक नहीं दिख रही हो, तुम्हें तुरंत बहुत सारे चीनी खाने की जरूरत है। आशा करती हूँ कि इससे मदद मिलेगी। यह जांच के लायक है। ओह हाँ, यह तुरंत मेरे लिए बहुत आसान हो गया, मैंने तुमसे कहा था। धन्यवाद सूजी, अब तुम। क्यों नहीं, मैं शुरू से ही इस पल का इंतजार कर रही थी जब मैं इसे आजमा सकती हूँ। अद्भुत सुगंध है, इससे मेरा सिर घूम रहा है। वाह, कितना बड़ा लेग है, मुझे यह साइज पसंद है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी, बिल्कुल सही। मुझे अभी और बहुत सारा खाना है। इतनी लालची मत बनो, मेरे साथ शेयर करो सूजी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें हड्डियाँ मिल सकती हैं एंडी, और मैं खुद चिकन खाऊंगी, मुझे माफ करना। वैसे हिस्सा इतना बड़ा नहीं है, मैंने बहुत जल्दी इसको खत्म कर लिया है। वाह, तुम्हारी भूख तो जानवरों की तरह है। यहाँ इतनी गर्मी क्यों हो रही है, लग रहा है मानो आग लग गई हो। क्या ये लेग्स वाकई इतने तीखे थे, बचाओ। अगर शेयर किया होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन निश्चित रूप से इसके फायदे हैं। मैं मार्शमेलो को भून सकता हूँ, मेरी राय में एक शानदार आइडिया है। रुको मत सूजी, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। तुम क्या कर रहे हो एंडी, बेहतर होगा मुझे थोड़ा पानी दो। कितना गर्म है, खाने से पहले मार्शमेलो को थोड़ा ठंडा करना होगा। बस अब यह सही है। वाह, कितना मुलायम, मार्शमेलो मुंह में पिघल जाता है। क्या तुम इसे खाना चाहती हो, लो खाओ। बहुत बहुत धन्यवाद एंडी, तुम एक सच्चे दोस्त हो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। स्वादिष्ट। वाह, गुलाबी गम, और मेरे पास कॉटन कैंडी है, ये बहुत बड़ी है, कितना अच्छा। ऐसा लगता है कि मेरे अलावा सभी भाग्यशाली हैं। गुलाबी मछली प्यारी लग रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि इसका स्वाद घिनौना होगा। लेकिन मुझे अपने गम के बारे में कोई संदेह नहीं है, मैं अभी उन्हें खाने के लिए तैयार हूँ। इसे देखो, ये एकदम सही लग रहा है। मैं पैकेज खोलता हूँ और अंदर एक असली मीठा खजाना है। वाह, गम का कितना बड़ा टुकड़ा है, मुझे यह पसंद है। तुम कभी कभी इतने मजाकिया हो जाते हो एंडी, मैं अभी बहुत अच्छे मूड में हूँ। गुलाबी रंग की चीजों का मुझ पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, और प्रभाव को बढ़ाने के लिए मुझे और खाना है। बहुत अधिक गम कभी नहीं होता है एंडी। लेकिन तुम ये सब अपने मुंह में कैसे फिट कर पा रहे हो, आसानी से। मैं एक बबल भी फुला सकता हूँ, देखो ये कैसा है। लेकिन ये इतनी जल्दी क्यों फट गया, मुझे एक बड़ा बबल चाहिए। एक सेकेंड रुको, मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या है? पंप, वो मुझे एक बड़ा बबल फुलाने में मदद करेगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, बस इसे मुझसे दूर रखो। तुम जैसा कहो सूजी, तुम सही हो, हमें व्यस्त होने की जरूरत है। मैं गम को ठीक से फिक्स कर दूंगा और अब मैं अपने हाथों से काम करूंगा। लिली, पंप को कसकर पकड़ो। वाह, ये अच्छे से हो रहा है। एंडी तुम कहाँ जा रहे हो, यह बबल मुझे खींच रही है, बचाओ।
मुझे डर है कि बहुत देर हो चुकी है, हम उसे नहीं बचा सकते, लेकिन मुझे ऊंचाई से डर लगता है। कुछ करो। अरे नहीं, मैं स्पेस में हूँ। ओह, यह कितना डरावना है। जरूरी बात है कि ज्यादा हिले डुले नहीं, नहीं तो मैं गिर सकता हूँ। अरे नहीं, मुझे बचाओ। ओह, यह कितना गर्म है। फर्श पर कुछ रखो। मुझे लगता है कि एंडी वापस आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वह क्या कह रहा है। एंडी, तुम कैसे हो? तुम्हें क्या लगता है? मैं फिर कभी बबल नहीं फुलाऊंगा। यहाँ फिर से आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, मुझे खुशी है कि तुम भी वापस आ गए हो। अब मैं अंत में अपनी कॉटन कैंडी खा सकती हूँ। यह कितना मुलायम और सुगंधित है, बस अविश्वसनीय। यह ऐसा है जैसे मैं बादलों के साथ हूँ। वाह, यहाँ कितना अच्छा है। मुझे और भी बादल चाहिए। ये बहुत हल्के हैं। यह सबसे अच्छा एहसास है जो मैंने कभी अनुभव किया है। अरे दोस्तों, नमस्ते। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। यह अजीब आवाज कहाँ से आ रही है? क्या तुम्हें कुछ सुनाई पड़ रहा है? हमें अपने बादल दो। जल्दी करो एंडी, मुझे कुछ कॉटन कैंडी दो। जबकि लिली कुछ भी नहीं देख रही है। यार, यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मुझे लगता है मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अरे तुम क्या कर रहे हो? यहाँ दे दो, यह मेरी कैंडी है। तुमने लगभग आधा खा लिया है, यह अच्छा नहीं किया। मैं बाकी को इकट्ठा करके एक गेंद बना लेती हूँ। आइडिया बुरा नहीं है। तो तुम निश्चित रूप से अब मुझसे कुछ भी नहीं चुरा पाओगे। बस हो गया, हमने तो बस थोड़ी सी ली थी। सुजी को अब उसकी मछली का स्वाद चखने दो। उसे छूना भी घिनौना है। और ये कैसी बदबू आ रही है। छी, मैं इसे चाटने की कोशिश करूंगी। घिनौना, मैं ऐसा करने की कभी हिम्मत नहीं करूंगा। लेकिन तुमने ही मुझे मजबूर किया है। मैं अपनी मर्जी से कच्ची मछली नहीं खा रही हूँ। मैं इसे फेंकने जा रही हूँ। थूको मत सुजी। बस मैं इसे खाने से मना कर रही हूँ। तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? रिलैक्स करो, यह बैट तुम्हारे लिए नहीं है। मेरा सुझाव है कि हम खेलें। एंडी, मेरी मदद करो। सच कहूँ तो मैं वास्तव में तुम्हारी मछली को छूना नहीं चाहता। पकड़ो। वाह, क्या हीट है। ओह, ऐसा लगता है कि तुम्हें इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था। वाह, यह हमारे केक को खाने का समय है। यह क्या है? एक मछली आसमान से गिरी है। केक बर्बाद हो गया। यह अच्छा नहीं हुआ। आशा है कि उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैंने मछली उछाली थी। नीला मेरा फेवरेट रंग है। अगर मुझे कुछ अच्छा मिलेगा तो मुझे भी पसंद आएगा। देखो कितना जूसी बर्गर है, बहुत बढ़िया। और मेरे पास एक बड़ा केक है। यह सब निश्चित रूप से लहसुन से बेहतर है। दुनिया में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। बॉन एपिटी कैंडी। शायद तुम में से किसी के लिए शुरू करना बेहतर है। ठीक है, मैं जल्द से जल्द इससे निपटने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरा दम घुटता नहीं है, लहसुन से वास्तव में बदबू आ रही है। वो यह कितनी आसानी से बिखर गया। मुझे उम्मीद है कि इसे इस तरह से खाना थोड़ा और सुविधाजनक होगा। हालांकि किसी भी मामले में इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। मुझे उल्टी हो जाएगी। एंडी, अपना मुंह बंद करो, बहुत बदबू आ रही है। हमें तत्काल मास्क लगाने की जरूरत है। मैं भी एक का उपयोग कर सकता था। बेचारा, वो बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे पता है कि इस गन का क्या करना है। चलो एक फ्रेशनर का उपयोग करें। मैं विश्वास दिलाती हूँ यह बहुत बेहतर हो जाएगा। सुपर, अब अपने मास्क उतार सकते हैं। उनके बिना सांस लेना कितना अच्छा है। मैं होश में आ गया। अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि अब लहसुन नहीं खाना है। लेकिन मुझे बर्गर से ऐतराज नहीं होगा। इसे भूल जाओ एंडी, बर्गर मेरा है। यह कितना बड़ा है, यह मुंह में फिट भी नहीं हो रहा है। बहुत जूसी फीलिंग और अविश्वसनीय रूप से नरम बन है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कितना स्वादिष्ट होगा। तुम सही हो एंडी, बहुत बढ़िया है। काश मैं भी इसे खा पाता। बस मेरी बात पर विश्वास कर लो कि यह स्वादिष्ट है। खैर ठीक है, मेरे पास अभी भी मौका है केक को खाने का। ओह माफ करना, मुझे हिचकी आ रही है। दोस्तों क्या हो रहा है? लगता है सब ठीक हो गया। अरे नहीं, मैंने जल्दी कह दिया।
लिली, तुम्हारी हिचकी के कारण हम फर्श पर गिर पड़े। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। मैं यहाँ हूँ दोस्तों, सब ठीक है। अंत में मेरे केक का स्वाद लेने का समय आ गया है। शिष्टाचार को गोली मारो, मैं अपने हाथों से खाऊंगी। ये कितना कोमल है, बहुत अच्छा, क्या खुशबू है। ओह हाँ, ये एक बढ़िया केक है। हमें भी खाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे लगता है मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। ये दुनिया का सबसे अच्छा खाना है। मैं हर समय केवल केक खाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मुझे च्युइंगम पसंद है। मैं नहीं जानता कि यह क्या है, लेकिन लगता है मुझे पसंद आएगा। मेरे पास 3 बनाना कैंडी है, मैं पहले शुरू करूँगी। तुम इन कैंडीज को अपनी नाक में भी डाल सकते हो। क्या इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता? तुम बोरिंग हो। अब यह कैंडी को ट्राई करने का समय आ गया है। वाह, ये कितनी स्वादिष्ट है। दोस्तों, मुझे खेद है कि तुम लोग इन कैंडीज को ट्राई नहीं कर रहे हो। देखो, वे भी नुकीले दिखते हैं। मैरी, बात बनाना बंद करो। नाइट। ओके। अब मेरी बारी है। इस बोतल में क्या है? चलो देखता हूँ। ओह हाँ। वाव। कितना स्वादिष्ट है। चिपचिपा है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट। अच्छा, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ मैं। मुंह की बात कि मुंह में जाना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी। तैयार हो? तो चलो चलते हैं। नहीं, एमा, अच्छी तरह से निशाना लगाना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मेरे पास कोई ट्रीट नहीं बचा है। लेकिन मेरे पास च्युइंगम की एक पूरी ट्यूब है। मैं निश्चित रूप से मिस नहीं करूंगी। वाह, ये कितना अच्छा है। चलो हमें भी कोशिश करने दो। कुछ भी नहीं बचा है। लालची, देखो, अब मैं एक बड़ा बबल उड़ाने जा रही हूँ। ओह वाह, चलो बहुत हुआ, नहीं तो हम सभी इस बबल से चिपके रहेंगे। ओह भयानक, मैं कच्चे अंडे नहीं खाऊंगी। मैं तीखा बिल्कुल नहीं खा सकता। No. यह क्या है? एमा, तुम्हारे पास निश्चित रूप से कुछ स्वादिष्ट है, खाओ इसे। इसमें कोई रिस्क नहीं है। आओ देखें कि इस स्प्रिंकल के अंदर क्या है। ओह भयानक, कितना खट्टा है। तुम्हें अभी इस सबको अपने मुंह में डालना होगा। चलो मुंह खोलो। मुझे नहीं लगा कि इतना मजेदार था। बस डैड, अब तुम इस खट्टी चीज को खाने जा रहे हो। चलो अपना मुंह खोलो तुम, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। ओह, यह वास्तव में भयानक है। अब तुम्हें तीखी सॉस ट्राई करनी होगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? लेकिन तुम्हें तो करना ही होगा। अपने मुंह को खुला रखो। अब मैं स्वादिष्ट सॉस को उसमें डालने जा रही हूँ। अरे नहीं, क्या कर रही हो? ये कितना तीखा है। तो कैसा लगा? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और अब मेरी बारी है। ओह, ये गर्म है। वह इसी के लायक था। अब मुझे कच्चे अंडे नहीं खाने पड़ेंगे। और मुझे तले हुए अंडे बहुत पसंद है। अब मैं इसे पूरे मजे लेकर खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। लड़कियों, मेरी तबीयत खराब लग रही है। हाँ, उसने मुझे बॉन एपिटेट भी नहीं बोला। यह क्या है? कॉर्न, इतना बुरा नहीं है, बल्कि मुझे तो पसंद ही है। Excuse me? अजीब कैंडीज है। मुझे आशा है कि वो स्वादिष्ट होंगे। डैड, चलो शुरू करो, तुम पहले हो। मेरे पास छोटे हाथ है। इन कैंडीज को कैसे खाया जाए, इसके लिए मेरे पास भी आइडिया है। छोटी कैंडीज के लिए छोटे छोटे हाथ। अब मैं ये पूरा खा जाऊंगा। स्वादिष्ट, लेकिन ज्यादा नहीं है। वैसे ये तो कैंडीज बिल्कुल ही नहीं है, ये च्युइंगम है।
देखो मैं बबल बना रहा हूँ। बस इतना ही? ऐसा बबल केवल एक मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखा जा सकता है। डैड, मैंने अभी तक ऐसे छोटे बबल नहीं देखे हैं। डैड बेचारा। ओह, ये क्या हो रहा है? ये पॉपकॉर्न है। मैरी, तुम लकी हो। वाह, बेशक मुझे कॉर्न बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पॉपकॉर्न और भी ज्यादा पसंद है। इसके साथ कोई हॉरर मूवी भी हो तो मजा आ जाएगा। सच में ये बहुत ही अच्छा है। नहीं मैरी, ऐसा मत करो, इसकी जरूरत नहीं है, इसे बंद करो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। तुम डरपोक हो। अरे पॉपकॉर्न खत्म हो गए हैं, अब फिल्म देखना बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं होगा। एमा, अब कमोड इस्तेमाल करने का समय हो गया है। हाँ सही में, यहाँ दो स्वादिष्ट लॉलीपॉप भी हैं। इस छोटे से कमोड के अंदर क्या है? चलो देखती हूँ। मुझे लगता है कि यह पाउडर लॉलीपॉप के लिए अच्छा होगा। चक कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, वास्तव में बहुत अच्छा है। मैं भी इसे ट्राई करना चाहती हूँ। चलो ट्राई करती हूँ। वो कहाँ गई? यह क्या है? चोर! चलो देखें कि तुम्हारे बालों पर चिपचिपा लॉलीपॉप कैसा लगता है। मैरी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें पता चल जाएगा कि आने लोगों की ट्रीट्स को कैसे चुराया जाता है। खैर, अब मैं अपने बालों से कैंडी कभी नहीं निकालूंगी। मुझे पता है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो, तुम्हें बस अपने कुछ बालों को शेव करना होगा। मैरी रुको, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि मैरी अपने कुछ बाल खोने वाली है। स्वादिष्ट, मुझे चेरी बहुत पसंद है। चेरी? लकी मैरी, मेरे पास कॉर्न है और मेरे पास मटर है। मैं लकी नहीं हूँ। मैं स्वादिष्ट प्लम्स खाऊंगी। मुझे ये चेरी बहुत पसंद है, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे भी चेरी बहुत पसंद है, बट मुझे ये बोरिंग कॉर्न खाना होगा। यह प्लम नहीं है बेशक, लेकिन यह बुरा भी नहीं है, बल्कि ठीक ही है। मुझे एक समस्या है, कैन नहीं खुल रहा है। ओह, देखो मैं खोल ही नहीं पा रही हूँ। आखिरकार, ये गंध अच्छी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम मटर का स्वाद अच्छा होगा। इसे चक कर देखती हूँ। ठीक ही है, यह इससे भी बदतर हो सकता था। लड़कियों, मेरे पास अभी भी कॉर्न है, ये लो। ए, तुम क्या कर रही हो? मेरे पास भी कॉर्न है, अब तुम ये लो। अच्छा तो ऐसा है, तुम मुझसे पंगा लेना चाहती हो? ओह, मुझे लगता है वे मजाक कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ इस खेल को खेलना चाहती हूँ। लड़कियों, इसे पकड़ो। ओह, तुम भी, अब तुम ये लो। तुम भी ये लो। बस करो, बहुत हुआ। इन सबके कारण मेरे पास कोई कॉर्न नहीं बचा है। मैंने सब कुछ स्वादिष्ट खाया, तुम्हारा खाना टेबल पर पड़ा है। बेहतर होगा कि चेरी हमें मिल जाए। ये खाना नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहती।